अस्सलाम वालेकुम। तो यार क्या चाल है, हम सबके मेरा नाम हमाद है और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर होने वाले प्राइस कट के बारे में। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनकी जो है वो प्राइजेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है और एक तो ब्रांड ऐसा है जिसने अपने जो है वो दो मॉडल्स की जो है वो प्राइस को इंक्रीज़ भी कर दिया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर मैं आपको बताऊँगा इन प्राइस कट के बारे में तो आप अवेयर हो जाएंगे कि कौन से ब्रांड ने कौन से मॉडल की जो है वो प्राइस कितनी ज़्यादा कट की और अब उसकी एक्चुअल प्राइस क्या आ गई है। और जब आप ऑफलाइन मार्केट से मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है, तो डिस्काउंट के बाद उसकी जो है वो कितनी प्राइस होगी और अब जो है वो प्राइस कट के बाद वो अब वैल्यू फॉर मनी हो गए हैं स्मार्टफोन या नहीं, पहले वे वो वैल्यू फॉर मनी थे या नहीं, तो सब चीज़ों को मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करके बताऊँगा प्राइस कट के साथ साथ। तो वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेनी है। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ब्रांड जो है वो ऐसा है जिसने अपने मॉडल्स की जो है वो प्राइस को डिक्रीज़ करने के बजाय जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है, तो वो है इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स ने अपने दो मॉडल्स की जो है वो प्राइस को बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात कर लीजिए हॉट 9 प्ले की, तो ये जो मॉडल की प्राइस है वो बढ़ा दी गई है। सबसे पहले तो ये जो स्मार्टफोन आता था ये 15,000 की प्राइस रेंज के अंदर आता था और अब इसकी जो प्राइस है वो 1,000 इंक्रीज़ कर दी गई है, मतलब कि 16,000 रुपये। तो अब आपको ये जो है वो 16,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो यार ये एक बिल्कुल बेसिक किस्म का स्मार्टफोन है, 2 GB रैम है, 32 GB रोम है, उसके अलावा काफ़ी एक बड़ी बैटरी है, काफ़ी एक बड़ा आपको जो है वो HD+ वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके अलावा इसके अंदर मीडियाटेक का हीलियो A22 है जो कि बिल्कुल ही बेसिक किस्म का प्रोसेसर है। तो अगर देखें तो अब भी जो है ये थोड़ा बहुत वैल्यू फॉर मनी, अगर आप इन्फिनिक्स के यूज़र रहे तो अब आप जो है वो इस स्मार्टफोन को अब भी परचेज़ कर सकते हैं 16,000 की प्राइस रेंज के अंदर। तो दूसरे स्मार्टफोन की बात कर ली जाए जिसकी जो है वो प्राइस इन्फिनिक्स ने इंक्रीज़ की है, वो है इन्फिनिक्स का हॉट 10। अब ये जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा सॉलिड स्पेसिफिकेशन के अंदर आ रहा था और अब जो है वो इन्फिनिक्स को इसकी प्राइस कट लगानी चाहिए थी ताकि ये ज़्यादा ज़्यादा बिक पाता, क्योंकि इससे पहले भी ये स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिका है लेकिन इसकी प्राइस को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। ये जो हॉट 10 था इसकी पहले प्राइस थी 20,000 रुपये 4GB 64GB वाले जो है वो वर्जन की। इसके और भी वेरिएंट आ रहे हैं लेकिन ये जो 4GB 64GB वाला था इसकी 20,000 प्राइस थी, इसको जो है वो इंक्रीज़ करके 21,000 कर दिया गया है और ये डिस्काउंट के बाद अब भी आपको जो है वो 20,000 या जो 19,800 का देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइस रेंज के अंदर ये अब भी जो है वो एक अच्छा स्मार्टफोन है क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो इसके अंदर मीडियाटेक का हेलियो G70 काफ़ी एक सॉलिड प्रोसेसर, फास्ट चार्जिंग है, काफ़ी एक बड़ी बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये जो स्मार्टफोन है ये अब भी वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। यार अब बात कर लेते हैं उन मॉडल्स की जिनकी जो है वो प्राइस को कम कर दिया गया है। सिर्फ ये इन्फिनिक्स था जिसने अपने दो मॉडल्स की जो है वो प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन ये जो प्राइस को बढ़ाया ये बनती नहीं थी प्राइस बढ़ाना क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन थे, काफ़ी ज़्यादा बिक भी रहे थे, तो इनकी जो प्राइस है उसको कम करना चाहिए था, इन्होंने बढ़ा दिया। डॉलर का रेट भी अभी गिर गया है और उसके अलावा जो है वो सभी कंपनीज अपनी जो मॉडल्स हैं उनकी प्राइस को कम कर रही हैं लेकिन खैर इन्होंने बढ़ा दी। अब बात कर लेते हैं उन स्मार्टफोन्स की जिनकी जो है वो प्राइस कम कर दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे शाओमी की, क्योंकि शाओमी ने अपने जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके 20,000 से 50,000 के अंदर जितने भी मॉडल्स हैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है वो प्राइस कट कर दिया है। सबसे पहले बात कर लीजिए रेडमी 9 की, सिर्फ रेडमी 9 की, रेडमी नोट 9 की नहीं, रेडमी 9 जो 3GB 32GB वाला था जिसकी पहले प्राइस थी 21,500 रुपये, अब उसकी जो प्राइस कट लगा दिया गया उसको 1,000 का और अब उसकी जो प्राइस हो गई है वो हो गई है 20,500 रुपये और ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको जो है वो उसके ऊपर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। ये पहले ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था क्योंकि इस रेंज के अंदर इसके अंदर आपको फुल HD+ वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, IPS वाला, 5000mAh की बैटरी थी, फास्ट चार्जिंग थी, मीडियाटेक का हेलियो G80 था, तो ये पहले भी वैल्यू फॉर मनी था और अब ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गया। तो अगर आपने ये लेना हो तो आप जो है वो डेफिनेटली इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो 4GB वाला मॉडल है उसकी भी प्राइस को कम कर दिया गया है, पहले उसकी जो प्राइस थी वो थी 27,500 रुपये और अब उसकी जो प्राइस है उसको भी 1,000 कट लगाकर जो है वो 26,500 कर दिया गया है, वो भी वैल्यू फॉर मनी है। 4GB 64GB वाला है, उसके अंदर भी फुल HD+ वाला डिस्प्ले, सारी स्पेसिफिकेशन यही है, फास्ट चार्जिंग है, मीडियाटेक का हेलियो G80 है, तो वो भी डिस्काउंट के बाद आपको 25,000 के करीब जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा बात कर लीजिए रेडमी नोट 9 की, तो उसकी भी प्राइस को जो है वो कट कर दिया गया है, पहले उसकी प्राइस थी 33,000 रुपये, अब उसकी प्राइस को जो है वो कट ऑफ करके 32,000 रुपये कर दिया गया। उसके अंदर आपको फुल HD+ वाला पंचोल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता था, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 5020mAh की उसके अंदर बैटरी, मीडियाटेक का हेलियो G85, काफ़ी एक सॉलिड जो है वो गेमिंग प्रोसेसर उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, तो वो पहले भी वैल्यू फॉर मनी था और अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा और भी वैल्यू फॉर मनी हो गया है, तो अब आप उसको डेफिनेटली जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रेडमी का नोट 9S जिसकी प्राइस कट पहले ही लग चुकी थी जब मैंने इसका जो है इस वीडियो का पहला पार्ट बनाया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ऊपर मैं जो है वो लिंक दे दूंगा कार्ड के अंदर, आई कार्ड के अंदर या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। काफ़ी ज़्यादा और भी मॉडल्स हैं जिनके ऊपर प्राइस कट लगा था कुछ टाइम पहले, तो वो वीडियो भी आपने देखनी है तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा बात कर लीजिए इससे अगले मॉडल की जो के था रेडमी नोट 9
9 प्रो, तो उसकी जो पहले प्राइस थी वो थी 45,000 रुपये, अब उसकी जो प्राइस है उसको कम करके कर दिया गया है 44,000 रुपीज़, और वो भी एक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड किस्म का स्मार्टफोन था पहले ही। उसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, फुल HD प्लस वाला IPS पैनल, 30 वाट की फास्ट चार्जिंग, 5020 mAh की बैटरी, और उसके अलावा उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता था स्नैपड्रैगन का 720G, तो वो पहले भी वैल्यू फॉर मनी था और अब जो है वो आप उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो यार ये थी सभी शाओमी के स्मार्टफोन्स की लिस्ट जिसकी जो है वो प्राइस को कम कर दिया गया है। अब बात कर लीजिए अपने अगले स्मार्टफोन की, तो यार जो रियलमी का C17 था वो पहले वैल्यू फॉर मनी नहीं था बिल्कुल, उसकी जो पहले प्राइस थी वो थी 32,000 रुपये, उसकी भी जो है वो प्राइस कट करके उसको 3,000 रुपये प्राइस कट लगाए और उसकी अब जो प्राइस हो गई है वो 29,000 हो गई है। उसके अंदर आपको 6GB रैम मिलती है, 128GB वाली UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर है जो कि एक आउटडेटेड प्रोसेसर मैं कहूँगा, और इतना ज़्यादा वो सॉलिड नहीं था स्मार्टफोन, उसका सिर्फ डिज़ाइन ही था, तो अब भी वो इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन अगर आपको रियलमी का ये स्मार्टफोन लेना है उस रेंज के अंदर तो आप जो है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो उसकी अब जो है वो प्राइस 29,000 हो गई है, डिस्काउंट के बाद आपको जो है वो 27,000 या 28,000 का जो है वो ईजिली देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लीजिए अपने अगले जो है वो मॉडल की, तो वो आ जाता है हुआवे की तरफ से, और हुआवे का आपको सीन पता है गूगल से बहन है, लेकिन उन्होंने भी अपने एक स्मार्टफोन के ऊपर जो है वो प्राइस कार्ड लगाया है, वो है हुआवे का Y8P जो कि कुछ टाइम पहले जो है वो लॉन्च किया गया था। और ये जो स्मार्टफोन है ये आप समझ लें कि एक अच्छे डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है, इसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, Kirin 710F का प्रोसेसर है, 4000 mAh की बैटरी है, और उसके अलावा बात कर ली जाए तो उसके अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं है। इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा थी और इसकी प्राइस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम भी अभी कर दिया गया, पहले इसकी प्राइस 40,000 रुपये थी, फिर 38,000 की गई, और अब इसकी प्राइस को जो है वो 5,000 कट लगा के 33,000 रुपये कर दिया गया है, और ये 32 से 33,000 के अंदर आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। और इस रेंज के अंदर आप भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आपने हुआवे का ही स्मार्टफोन लेना है और आप उनकी जो है वो ऐप गैलरी के साथ ओके हैं तो आप ये जो है वो स्मार्टफोन डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है वो बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा का सेटअप भी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी है, तो आप इस स्मार्टफोन को जो है वो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर आप जो है वो एक हुआवे यूज़र्स हैं। और बात कर लीजिए अपने अगले और लास्ट मॉडल के बारे में जो कि आता है वीवो की तरफ से और जिसकी प्राइस को कट कर दिया गया है, और ये है वीवो का Y51। अब ये जो मॉडल है इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी और ये मैं पर्सनल यूज़ भी कर रहा हूँ ये स्मार्टफोन, तो Y51 इसकी जो पहले प्राइस थी वो थी 37,000 रुपये, और वीवो के स्मार्टफोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है ऑफलाइन मार्केट के अंदर, और मुझे वो 33,000 का तब मिला था, 37,000 उसकी इनवॉइस प्राइस थी, अब उसकी प्राइस को 2,000 कट लगाए 35,000 कर दी गई है जो एक्चुअल प्राइस है, और अगर आप मार्केट से लेते हैं तो आपको ईजिली वो जो है वो 31,000 या 32,000 का ईजिली देखने को मिल जाएगा। मैं कहूँगा 31,000 में लेना थोड़ी सी बार्गेनिंग करके, वो आपको ईजिली 31,000 का देखने को मिल जाएगा, तो उसके अंदर वो आप समझ लें कि काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो जाता है, क्योंकि सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, थोड़ा सा उसका जो प्रोसेसर है वो अंडर पावर है, लेकिन 4GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, 48 मेगापिक्सल का आपको बैक के ऊपर कैमरा देखने को मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और डिज़ाइन भी ओवरऑल अच्छा है, 4500 mAh की बैटरी है, 18 वाट की उसके अंदर फास्ट चार्जिंग है। तो यार ये सब मॉडल्स थे जिनकी जो है वो प्राइस कट कर दी गई है, और कुछ इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो है वो अब वैल्यू फॉर मनी हो गए हैं और कुछ जो है वो पहले ही वैल्यू फॉर मनी थे जैसे कि शाओमी के सभी मॉडल्स, और उनको अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा और वैल्यू फॉर मनी कर दिया गया है, तो आप डेफिनेटली शाओमी के जो स्मार्टफोन है वो अब कंसिडर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, आपकी क्या ओपिनियन है इन प्राइस कट के बारे में, जितने भी मॉडल्स के ऊपर लगी है मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, शेयर कर देना इस वीडियो को, और उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो कर लें, इधर यूजर नेम आ रहा होगा। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।